शिवराज सरकार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की इस बार बहुत बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने तमाम प्रशासनिक फैसलों को भी इस आयोजन तक टाल दिया है। बात सिर्फ बिरसा मुंडा की जयंती भर की नहीं है, पिछले 2 सालों में शिवराज सरकार आदिवासियों को रिझाने की हर संभव कोशिश कर रही है। उधर आदिवासियों के बीच जयस की सक्रियता भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की ये सारी कवायद जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस की बढ़ती लोकप्रियता को कम करने की कोशिश है, काउंटर करने की कोशिश है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आबादी में आदिवासियों की तादाद करीब 23% है। इसी वजह से ये तबका हाल फिलहाल प्रदेश की राजनीति की धुरी बना हुआ है। असल में 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वापसी में आदिवासी वर्ग का बहुत बड़ा हाथ था। तब विधानसभा की 230 सीटों में से 41 सीट एसटी यानी जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थी। इनमें से 37 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 2 सीट ही आई थी। 2008 में परिसीमन की कवायद के बाद विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर 47 हो गई, जबकि ये पहले 41 थी। विधानसभा के अगले 2 चुनावों यानी 2008 और 2013 में भी आदिवासी तबके का वोट बीजेपी के साथ रहा और वो सत्ता में बनी रही। 2008 के चुनाव में बीजेपी को 47 में से 29 सीटें मिली। इसके बाद 2013 के चुनाव में बीजेपी 31 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस इन दोनों चुनावों में 17 और 15 सीट ही जीत पाई। लेकिन 2018 में पासा पलट गया और बीजेपी की एसटी सीटें घटकर करीब आधी रह गई। वो 16 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस की सीट बढ़कर दोगुनी यानी 30 हो गई और वो प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 230 में से 109 सीटें मिली और कांग्रेस 114 सीटों पर जीती। हार जीत का अंतर इतना कम था कि यदि आदिवासी वोटर बीजेपी से दूर नहीं होते तो प्रदेश में लगातार 4थी बार बीजेपी की ही सरकार बननी तय थी। पिछले विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति वर्ग की सीटों पर बाजी पलटने से सत्ता से बाहर हुई बीजेपी के रणनीतिकारों ने लंबे मंथन के बाद ये समझ लिया कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने के लिए एसटी वर्ग की सीटों पर प्रभुत्व बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसके लिए जनजातीय समुदाय के वोटर्स को अपने पक्ष में करना होगा, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा की 230 में से करीब 70 सीटों पर आदिवासी वोटर्स का प्रभाव है। इस वर्ग में अपना असर बढ़ाने के लिए सुनियोजित रणनीति के तहत ही सबसे पहले गुजरात के आदिवासी नेता मंगू भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। इसकी वजह यह रही कि राज्य में बीजेपी के पास आदिवासी समुदाय का कोई बड़ा और सर्वमान्य नेता नहीं है। मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनने से पहले मंगू भाई पटेल गुजरात सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री रह चुके हैं। बताते चलें कि प्रदेश के इतिहास में कोई भी राज्यपाल आदिवासियों से जुड़े मामलों और इलाकों में इतना सक्रिय और गतिशील नहीं रहा जितने मंगू भाई पटेल हैं। पटेल की नियुक्ति के बाद सरकार ने दूसरा बड़ा कदम उठाते हुए सितंबर 2021 को जबलपुर में आजादी की लड़ाई में शहीद हुए आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर बड़ा आयोजन किया। खुद अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि इस आयोजन में शामिल हुए थे। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब इस संस्कार धानी के इस पवित्र मिट्टी को छूने के लिए आया हूं, जहां पर रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान हुआ। या आज ये स्मारक जो बनेगा, आज यहां पर जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में हजारों साल तक न सिर्फ गोंडवाना पूरे देश भर के युवाओं को ये पिता पुत्र का बलिदान प्रेरणा देता रहेगा और देश के लिए जान नौछावर करने के लिए आगे होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है और इसी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी सरकार पिछले 2 सालों से सारे जतन कर रही है। इसीलिए बीजेपी सरकार लगातार ऐसे ऐसे काम कर रही है, ऐसे ऐसे आयोजन कर रही है जो इससे पहले 18 साल में उसने कभी नहीं किए।
आदिवासियों के प्रभुत्व वाले महाकौशल इलाके में हुए इस बड़े आयोजन में राज्य के आदिवासी बाहुल्य 89 विकास खंडों के करीब 24 लाख परिवारों को घर घर सरकारी राशन पहुंचाने के लिए राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर रखने की घोषणा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगे हाथ प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लोगों के हित में पेसा एक्ट यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून 1996 लागू करने का ऐलान कर दिया। जनजाति क्षेत्रों में पेसा एक्ट का क्रमशः क्रियान्वयन हम शुरू कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे और मेरे बेटे बेटियों पढ़ाई के बाद। इसके बाद प्रदेश सरकार ने नवंबर 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती पर राजधानी भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जनजातीय समुदाय के नाम पर अभूतपूर्व जलसा किया। इस भव्य आयोजन को जनजातीय गौरव दिवस का नाम दिया गया। इस मौके पर आदिवासियों के हित में कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया और पीएम मोदी ने देश की आजादी और विकास में जनजातीय समुदाय के योगदान का जिक्र भी किया। जोहार मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहार, मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं। हूं तमारो स्वागत करूं। तमाम साम की कम छो मालथन आप सबान सो मिलन बड़ी खुशी हुई रैली है। आप सबान थन फिर सी राम राम। राजधानी में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के बाद बीजेपी सरकार ने 2021 में ही 4 दिसंबर को महू में जननायक टंट्या भील बलिदान दिवस के मौके पर एक बार फिर बड़े जलसे का आयोजन कर टंट्या भील की अष्टधातु मूर्ति का अनावरण किया। सीएम ने टंट्या मामा की स्मृति में 4,55,00,000 रुपए की लागत से पाताल पानी में नव तीर्थ स्थल बनाने और हर साल 4 दिसंबर को मेला लगाने का ऐलान भी कर डाला। असल में प्रदेश में आदिवासियों का अचानक राजनीति का केंद्र बनने की वजह आदिवासियों की करीब 2 करोड़ से अधिक की आबादी। यदि मतदाताओं का इतने बड़े वर्ग का 5% वोट भी किसी पार्टी के पक्ष में शिफ्ट हुआ तो वो प्रदेश की सत्ता के समीकरणों में बड़ा अंतर डाल सकता है। इसीलिए प्रदेश की राजनीति में जनजातीय समुदाय की पूछ परख बढ़ गई है और शिवराज सरकार वो सारे काम कर रही है जो उसने पिछले 18 साल में नहीं किए। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस भी आदिवासियों को अपने पक्ष में लामबंद करने में हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे में बीजेपी इस वर्ग के वोटर्स को रिझाने में जी जान से जुट गई है। तो आपने देखा कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी सरकार ने कमर कस ली है और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है, क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी की ये रणनीति काम आएगी? आपके पास पहला विकल्प है हाँ, बीजेपी आदिवासियों के हितैषी है, ये रणनीति काम आएगी। दूसरा विकल्प है नहीं, ये सब राजनीति है। और तीसरा विकल्प है कुछ कह नहीं सकते। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।